एवरीवन, दिस इज दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी मोशन चैप्टर में अब तक हमने जितनी भी टर्म्स को डिस्कस किया है, टर्म्स जैसे हमने स्पीड को डिस्कस किया है, वेलोसिटी को डिस्कस किया है। वेलोसिटी क्या होती है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस को। इसके साथ साथ हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया है, ठीक है, पोजीशन का चेंज हो जाना टाइम के रेस्पेक्ट में। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चेंज होना। किसका चेंज होना? पोजीशन का। और नेक्स्ट हम लोगों ने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया है, जो कि पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव को हम लोग स्पेसिफिक टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। तो ये जितनी भी हमने टर्म्स आज इसमें पढ़ी हैं चैप्टर में, उन्हें हम आज देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी ग्राफ की हेल्प से हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब कैलकुलेशन तो हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते थे। प्रीवियसली हम लोगों ने फॉर्मूले ही तो डिस्कस किए हैं। स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसे ही डिस्टेंस को हम लोग स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम से निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन से निकाल सकते हैं। तो फिर ग्राफ की क्या ज़रूरत है? ग्राफ हमें बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग दे देता है। भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, बहुत सारी ज़्यादा को कंपेयर करना होता है, उन्हें करते वक्त में ग्राफ बहुत हेल्पफुल होता है। यानी इजी वे में वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। आप ये देखो, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, अगर ग्राफ ये हो एक स्ट्रेट लाइन, तो वो कैसा होता है? वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। और अगर वो एक कैसी हो, कर्व लाइन हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। तो ग्राफ से ही हमें पूरा का पूरा पता चल जाता है मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग आज ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? दो एक्सिस पर ड्रॉ होगा। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब x एक्सिस पर जो हम हमेशा लेंगे वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को लेंगे, जो कि किसी पर डिपेंडेंट ना हो, सच एज टाइम। जैसे टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, भाई चले ही जा रहा है वो, ठीक है। और y एक्सिस पर हम लोग कैसी क्वांटिटीज़ को लेते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को, जो कि दूसरों पर डिपेंड करती हूँ। दूसरों किस पर? टाइम पर डिपेंड करती हूँ। तो स्पीड, आपने फॉर्मूला देखा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम को रेस्पेक्ट में रखकर देखना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए भी, डिस्टेंस के लिए भी। हर एक क्वांटिटी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो सब टाइम के रेस्पेक्ट में ही हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। इसका मतलब वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है, जिनको हम वाई एक्सिस पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें कौन कौन से ग्राफ को पढ़ना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ना है, और दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलेंगे। कैसे? देखो, डिस्टेंस कैसे हम मेज़र करते हैं? भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए से बी की तरफ जा रहा है, उसको टाइम लगेगा उतना। तो ये जो पाथ कवर किया है, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। यही तो पोजीशन भी चेंज हुई है, भाई यहाँ ए से बी पर पहुँचा है, पोजीशन भी चेंज हो गई। तो इससे जो ग्राफ बनेगा, वो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताएगा, साथ ही साथ पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में भी बताएगा। और सेकेंडली जो हम लोग पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक ही सेंस में हम लोग लेंगे, स्पीड को और वेलोसिटी को, जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हों। आप लोगों को पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। ये एक मैग्नीट्यूड रखता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। यानी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो भी हम लोग इन्हें अलग अलग मानते थे अब तक प्रीवियसली, यहाँ पर ग्राफ के वे में हम लोग सिमिलर साइंस में लेकर इनको चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, हमने पता है कि दो ही हमें
एक्सेस रखकर चलनी है, कौन कौन सी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। एक हो गई हमारी ये वाई एक्सेस, ठीक है, आप लोग स्केल की हेल्प से बनाना, ऐसी हवा में मत बनाना मेरी तरह। तो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ठीक है, वाई एक्सेस पर हम लोग लेने वाले हैं डिस्टेंस को और एक्स एक्सेस पर हम लोग लेने वाले हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दैट इज टाइम। अब हम लोगों को पता है, प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, किसके कैलकुलेट करने के लिए होता है, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अब ये जो स्पीड है ये दो तरह की होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म में क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसके लिए ग्राफ भी एक तरह स्ट्रेट लाइन आता है। और नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग देखते हैं कि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम कर्व लाइन देखते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं जिसमें कि डिस्टेंस दे रखी है 10, 20, 30, 40, टाइम है 1, 2, 3 आर। तो हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ भी और यहाँ भी, देखते हैं कैसा आता है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये है हमारा वाई एक्सिस दैट इज एक्स, और टाइम हम लोग नीचे लेने वाले हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं किसको, डिस्टेंस को, तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ठीक है। अब कोई भी बॉडी है, लेट्स से कार है, ये कवर कर रही है एक घंटे में 10 मीटर, ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया घंटे के हिसाब से, ये हो गया मीटर के हिसाब से, यहाँ पॉइंट मिल रहे हैं दोनों। दूसरे ही आर में वो 20 किलोमीटर चल रही है, तो दूसरे आर में 20 किलोमीटर चल रही है। थर्ड आर में वो 30 किलोमीटर चल रही है। फोर्थ आर में वो 40 किलोमीटर चल रही है। अगर सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसकी स्पीड को शो करती है। भाई हम लोग डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ को हम लोग मेज़र कर रहे हैं, तो ग्राफ कैसे आ रहा है, मीटर पर आर में, या फिर हम लोग यहाँ किलोमीटर भी बोल सकते हैं, किलोमीटर पर आर में आ रहा है। और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम तो वही है इक्वल टाइम में, 1, 2, 3, 4, 5 आर, और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। डिस्टेंस हम लोग यही देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ठीक है। अब फर्स्ट आर में 5 मीटर या किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ आर 5 किलोमीटर, तो देखो यहाँ 0 से 10 तक है, तो 5 कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा कहीं। फर्स्ट आर में यहाँ हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। सेकेंड आर में 15, तो 15 कहाँ होगा, 10 और 20 के बीच में, यस 15, और सेकेंड आर में है 15, तो ये सेकेंड के सामने हो जाएगा। थर्ड आर में, ठीक है, यहाँ थर्ड आर में 20, तो 20 ये रहा और थर्ड आर ये रहा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा हमारा। फोर्थ आर में 25, 20 और 30 के बीच में है, तो ये हो गई लाइन और ये हो गया फोर्थ आर, ठीक है। ये तो अगर हम मैच करें सबको, कैसी लाइन मिली है, कर्व लाइन। इट मींस कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अगर आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को आए और उसकी हेल्प से हमें स्पीड को कैलकुलेट करना हो, तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि स्पीड दो फॉर्म में मिलेगी। अगर हम लोग ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस हमें स्पीड मिल जाती है। एक स्ट्रेट में मिलेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड है, दूसरी कर्व होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए। देखो ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, इट मींस कि ये सॉरी यूनिफॉर्म के लिए, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड की अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, भाई ग्राफ को देखकर तो पता चल ही जाएगा कि वो कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड या फिर यहाँ पर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। मैंने बताया ना कि सेम सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे दोनों को। अब इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी हो, किसकी, स्पीड की,
तो जो स्पीड की अगर हमें क्या फाइंड करनी हो वैल्यू, तो हम ये स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी वो इक्वल होगी ग्राफ के स्लोप की। अब स्लोप का मतलब होता है ढलान, ये जो ढलान होता है ना, अब चाहे इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, तो उसको हम लोग स्लोप कहेंगे और उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब ग्राफ में स्लोप को हम कैलकुलेट करते हैं वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस रखकर। वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस। अपॉन एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम स्लोप नहीं बल्कि अपनी स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड की वैल्यू रख रहे हैं। वही हो गया ना प्रूफ। ठीक है, अब कैसे हम लोग करेंगे? ये जो ग्राफ है उस पर कोई भी हम एक पॉइंट बना लेते हैं, लेट्स से पॉइंट ए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ताकि टाइम का एग्जैक्टली पता चले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया ए है तो ये बी। ठीक है, अब हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस है। देखो ये डिस्टेंस हुई, कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है डिस्टेंस वाली, इसके पैरेलल है ये। तो अगर हम लोग इसको देखें ना यहाँ पर, ये लेट से सी, तो ए बी किसके इक्वल हो गई? ओ सी के या सी ओ के, बिल्कुल इक्वल है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये है हमारा टाइम। दोनों के हेल्प से हम लोग ये स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे, इट मीन्स कि हम अपनी स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखते हैं फॉर्मूला, तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये डिस्टेंस दैट इज ए बी अपॉन ये टाइम दैट इज ओ बी। तो ये हो गया कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यूनिफॉर्म के लिए हो या नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो स्लोप है इसको फाइंड आउट कर लेना है और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कहीं कहीं पर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम बिल्कुल सेम ही कैलकुलेट करेंगे, जैसे जहाँ पर हमने डिस्टेंस रखा है बस वहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रख देना है, और जहाँ पर हमारी स्पीड आई है वहाँ पर हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन दिया होता है और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिल जाती है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और टॉपिक से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम लगे आप लोगों को, जो भी हम लोगों ने आज डिस्कस किया है ग्राफ के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।